हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा और इस जगह पर परमेश्वर ने इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये अंतिम दिनों के लिए बहुत ज़रूरी बात है। और कोई वचन पढ़ेंगे लुका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लुका 17 और उसका 26 और 27 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। देखो ये परमेश्वर का वचन है और इसको बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि 2021 और हम अगस्त महीने में आ चुके और अगस्त महीना मतलब 8वां महीना, मतलब 7 महीने गुजर चुके और 8वें महीने के 8वां दिन और उसके कुछ घंटे बाकी है। और ज़्यादातर लोग विश्वासी लोग आज भी ऐसा समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु जब आने वाले हैं तो वातावरण कुछ बदल जाएगा। मतलब जब प्रभु यीशु आएंगे उससे पहले पहले कुछ वातावरण में ऐसा हो जाएगा, कुछ जो बाहर हमको दिखाई देता है, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा और जिससे पता चल जाएगा कि हाँ प्रभु यीशु जो है वो आ रहे हैं या उनका आने का वक्त हो गया। कई लोग ऐसा समझते हैं कि उस वक्त अंधेरा छा जाएगा और चारों ओर अंधेरा हो जाने की वजह से लोगों को पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु का आना जो है वो भी बहुत पास में। वैसे बाइबल में अंधेरे के बारे में कुछ लिखा भी है। कोई एक वचन पढ़ना, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन। यहोवा का दिन मतलब प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, क्योंकि पुराना नियम था तो उस भाषा में लिखा है, लेकिन ये प्रभु यीशु की दूसरी बार आने की बात है। हाँ यहोवा के दिन तुमसे तुम्हारा क्या लाभ होगा, वो जो उजाले का नहीं अंधेरे का दिन होगा। परमेश्वर कहते हैं कि वो दिन जब प्रभु यीशु आने वाले वो दिन वो उजाले का दिन नहीं, प्रकाश का दिन नहीं है, लेकिन वो दिन कैसा है, अंधेरे का दिन है। वो तो अंधेरे का दिन है। फिर योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक पढ़ो उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, योएल 2:1-2। सिय्योन में नरसिंह का फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। यहाँ एक बार फिर लिखा है यहोवा का दिन आता है, मतलब कि प्रभु यीशु का दूसरी बार आना। हाँ वरन वो निकट ही है। हाँ वह अंतर और तिमिर का दिन है। हाँ वह बदली का दिन है। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है वो अंधकार का दिन है, वो अंधेरे का दिन एक बार फिर यहाँ पर लिखा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं सफन्याह का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और शक्यति का दिन, वह उजाड़ और अंधेर का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन। ये अंधेर का दिन, घोर अंधकार का दिन, देखो यहाँ पर भी ऐसा लिखा है। जहां जहां हमने पढ़ा वहां पर यही बात लिखी गई है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो उस वक्त अंधेरा होगा और जो प्रकाश है वो चला जाएगा और अंधकार छा जाएगा, घोर अंधकार। ऐसी बातें जो है वो हमने अलग अलग जगह से हमने पढ़ी, लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे इस धरती के ऊपर फिर क्या होगा कि 1000 साल का उनका राज जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं कि जब नू भविष्यवक्ता जब उस वक्त जब बाढ़ आ चुकी थी और जो बाढ़ आने के बाद
उनका जो जहाज था एक पहाड़ के ऊपर रुक चुका था। तब उसके बाद परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी थी, और हम पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां वचन। अब जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। देखो एक बार फिर से पढ़ो इसको। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, इस बात को नोट करना कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने का काम और काटने का समय, ठंड और गर्मी, दुःखकाल और शीतकाल, हाँ मतलब गर्मी और ठंडी, दिन और रात निरंतर होते रहेंगे। ये सब इसका मतलब जब तक धरती होगी तब तक दिन होगा, तब तक रात होगी, और दिन के लिए हमको जरूरत है सूरज की, और जब तक सूरज है तब तक इस धरती पर रोशनी है, जब तक ये धरती है तब तक सूरज भी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जब तक धरती है और सूरज भी है, सूरज की रोशनी भी है, तो ही बाइबल में हमने पढ़ा तो ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तब बोले अंधकार होगा, जब प्रभु यीशु आएंगे तब अंधेरा, ऐसी बातें जो है वो यहाँ पर बाइबल में लिखी है। कभी स्टडी करना, और बाइबल की नहीं बात कर रहा हूँ लेकिन सूरज की कभी स्टडी कर देखना कि पहले सूरज कैसा था और अब कैसा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी वो लगातार बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दिन आगे जाते हैं सूरज की रोशनी जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा है भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है उसका 30वां अध्याय उसका 26वां वचन। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का गांव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सूरज की रोशनी जो है वो 7 गुना हो जाएगी। सूरज की रोशनी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी जैसे 7 गुना जो प्रकाश है वो प्रकाश बढ़कर 7 गुना हो जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 16वां अध्याय और उसका 8वां वचन। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब उसकी आग, उसकी रोशनी जो है वो और भी बढ़ गई। जैसे बाइबल में लिखा है वैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते रोशनी जो है वो 7 गुना हो जाएगी। और फिर क्या होगा, ये जो रोशनी वो बढ़ जाएगी उसके बाद क्या होगा, तो एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन। और किसी के पास इंग्लिश बाइबल हो तो प्लीज इसको निकाल कर रखें। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूमिडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो सूरज था वो कंबल के समान काला हो गया। कंबल के समान, इंग्लिश में पढ़ो तो I looked when he opened the sixth seal and behold sackcloth। मतलब कि सूरज जो है उस तरह से काला हो गया जिस तरह से वो टाट होता है। बाइबल लिखा है लोगों ने टाट पहना, टाट मतलब पहले जो बोरी आती थी ना जिसमें गेहूं चावल भरते थे, हाँ अभी तो सब प्लास्टिक का जमाना आ गया, लेकिन पहले वो टाट आता था। और फिर लोग क्या करते थे, जब बोरी खाली हो जाती थी तो उसी से पैर पोंछने के लिए उसको घर के बाहर रखते थे। अभी जमाना अलग आ गया, अभी तो लोग वो पैर पोंछने का भी लेकर, फिर भी देखो हम ये खरीद कर लेकर आए वो बताते। तो कहने का मतलब ये है कि सूरज इस तरह से काला हो गया जैसे उसके ऊपर किसी ने वो टाट डाल दिया हो।
अभी वो देखो टाट कैसा होता है, वो हमारा शर्ट और पैंट की तरह नहीं होता, हमारा शर्ट पैंट भी देखना कि किसी का स्कार्फ हाँ योगिन बिना बोल रहे एक एक मिनट देना दो मिनट के लिए, देखो ये गोला जल रहा है। अभी ये जो ओढ़नी है मैं उसके ऊपर डालता हूँ, कैसे ही बंद हो जाता। हाँ आ रहा है फिर भी प्रकाश आ रहा है, थैंक यू। देखो किसके ऊपर हमने ओढ़नी डाली फिर भी उसका प्रकाश आ रहा था, क्यों? जो धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है उसके बीच में छोटे 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 छेद आते हैं, लेकिन जो टाट होता है ना उसमें तो बड़े बड़े छेद रहते हैं, कभी टाट देखना कि उसमें बड़े बड़े छेद रहते हैं। अभी सात गुना सूरज और रोशनी ज्यादा दे रहा था, अभी उसके ऊपर समझो टाट डाल दिया तो उसकी रोशनी पूर्ण रीति से बंद नहीं हो गई, लेकिन अभी भी जो होल था जो छेद था उसमें से अभी भी उसका प्रकाश आ रहा है, लेकिन जो सात गुना था ना उससे कम हो गया। अभी कई बार कैसा होता है, कई बार क्या अभी अभी इन पिछले दिनों में बादल पूरा छाया हुआ था तो लोग क्या बात करें, काला काला बादल आ गया। अभी कभी भी देखना जो ब्लैक कलर होता है ऐसा कभी बादल देखा कभी? हाँ पूरा ब्लैक कभी नहीं होता, लेकिन हम बात कैसे करते हैं, काला बादल वो अंधेरा हो गया होता है, अंधेरा होता है फिर भी प्रकाश होता है ना, लेकिन हर रोज की तरह नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, अंधेरा छा गया। परमेश्वर का वचन कुछ हमें इसी तरह से कह रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी सात गुना हो गई थी वो वापस जैसी थी ना वैसी हो गई, वो टाट डालने से। समझ में आ रहा है सभी को, सात गुना रोशनी बढ़ गई फिर उसके ऊपर टाट डाल दिया, अभी भी छेद है उसमें, एक नहीं कई छेद है, वो छेद में से अभी भी रोशनी आ रही है, अभी भी धूप आ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, जब तक धरती रहेगी धूप होती रहेगी, दिन होता रहेगा मतलब होगा ही दिन, रोशनी कम लेकिन रोशनी कम होकर के पहले बढ़ गई थी, वापस जितनी थी वैसी हो गई, लेकिन वो आदत हो गई थी ना सात गुना की। अभी कैसा लगता है कि जैसे रोशनी कम हो, अरे अंधेरा हो गया सूरज में, अंधेरा नहीं हुआ, अभी भी रोशनी तो आ रही लेकिन पहले से कम है, तो हम बोलते हैं कि जैसे अंधेरा जो है वो जैसे हो रहा है, जिस तरह से काले बादल आते और हम लोग बोल देते बस वैसे ही, इसका मतलब धरती पर पहले जैसा प्रकाश था ना वैसा ही प्रकाश रहेगा, जो सात गुना बढ़ गया था वो वापस जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। अभी बाइबल में लिखा है अंधेरा अंधेरा, कारण यही था कि रोशनी जो है वो बढ़ गई थी, इसका मतलब कि धरती का जो वातावरण जो है उसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि जिससे ऐसा हो सके कि ऐसा कोई कह सके कि इस धरती का अंत हो जाएगा, वातावरण को देखकर आज जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी परमेश्वर नूह के पास आए और नूह को आकर ऐसा बोला कि नूह मैं इस धरती का अंत कर दूंगा, और वो भी कैसे, तो बोले मैं पानी से इस धरती का मैं अंत कर दूंगा। तो परमेश्वर ने नूह के साथ एक बात की। अभी समझो कि परमेश्वर ने हमसे तो नहीं कहा, मुझे नहीं कहा कि इस धरती का अंत होगा, आपको भी परमेश्वर आकर ऐसा नहीं बोल कर गए कि धरती का अंत होगा, लेकिन बाइबल में तो लिखा है, परमेश्वर ने उस जमाने में नूह के साथ बात की और नूह के जरिए सभी लोगों से बात की, तो आज भी परमेश्वर अपने वचन से हम सभी के साथ बात तो कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट नहीं बताया हमको लेकिन परमेश्वर ने बता तो दिया ना कि धरती का अंत होगा। हालेलुया हालेलुया, बोर तो नहीं हो रहे चेहरे से, लगते जैसे यार क्या बोलता है, ऐसा तो नहीं है, ध्यान से समझ, अभी मैसेज नहीं शुरू हुआ हमारा, हाँ ये मैसेज नहीं है, मैसेज तो अभी इसके बाद शुरू होने वाला है। हालेलुया हालेलुया, तो धरती जो है उसका अंत होने वाला था ऐसा परमेश्वर ने नूह को बता दिया और नूह को बोला कि नूह तू अपने लिए एक एक जहाज बना ले। अभी नूह ने क्या किया, जहाज बनाने के लिए बैठ गए। कई बार हमने वचन में देखा है
कि नूह ने अपने घर के पास ही बनाना शुरू किया होगा, अपने खेत में बनाना शुरू किया होगा, क्योंकि मालूम था बरसात आने वाली है, यहीं पर आएगी, यहाँ पर पानी जमा होगा और यहीं से जो जहाज है वो तैरने लग जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहा है, और नूह की आयु उस वक्त कितनी थी? 500 साल। अभी 500 साल का बूढ़ा, अभी 60 साल में लोग बोलते हैं कि इसका दिमाग अभी नहीं चल रहा है। तो फिर 500 साल का नूह, तो कई लोगों ने बातें की होगी, स्क्रू ढीला हो गया क्या, या अंदर से कुछ इधर उधर हो गया क्या। तो नूह ने जहाज जो है वो बनाना शुरू किया। लोगों ने देखा होगा, लोगों ने पूछा होगा, तो उन्होंने बताना शुरू किया होगा, मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला है, इस धरती का अंत होगा, बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, सभी लोग खत्म। सभी लोग, बरसात सुना नहीं है, देखा नहीं है, और परमेश्वर ने बात की, हमसे बात नहीं की, तेरे से बात की, हम भी तो है, हमारे साथ बात नहीं कर सकते। और सभी ने उस नूह का ठट्ठा जो है वो किया होगा। आज भी वही बात है, आज भी परमेश्वर का वचन तो हमें कहता ही है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे, प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे। मैंने पिछली बार एक बार मैसेज में कहा था कि अगर किसी को पता चल जाए कि परमेश्वर इतने साल तक नहीं आने वाले तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं परमेश्वर को छोड़कर उसकी पूजा शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने बोला मुझे ही नहीं मालूम, तो फिर इंसान कौन होता है जो ऐसा कह सके अभी नहीं आने वाला। जितने भी ऐसा बोलते प्रभु यीशु अब नहीं आने वाले कि अभी टाइम है, वो सारे सबसे बड़े झूठे। इतना ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु ने बोला, दूसरा कुरंथी 6:2 में ऐसा लिखा है, आज ही उत्तर का दिन समझ लो, मतलब आज ही प्रभु यीशु आने वाले ऐसा समझ कर ही चलो, ऐसा स्पष्ट लिखा है। तो हमें कैसे चला प्रभु यीशु कब आएंगे? हाँ, ये होना चाहिए हमारे जीवन में, ऐसा परमेश्वर हमको सिखाए। लेकिन जितने लोग नहीं मानते और जितने लोग ऐसा बोलते कि प्रभु यीशु आने में भी बहुत देर लगेगी, उनसे बड़ा झूठा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। क्योंकि जो प्रभु यीशु को नहीं मालूम ऐसी बातें, उसे किस तरह से वो पता जो है वो चल जाएगी। अभी उस वक्त किसी ने नहीं माना, आज भी ज़्यादातर जो है वो ऐसा ही है कि लोग नहीं मान रहे। उस वक्त नूह जो है अपना जहाज जो है वो तैयार करने में लगे थे, और बाकी के लोग क्या कर रहे थे? जो वचन पढ़ा था लुका 17 और उसका 27 वचन पढ़ो तो। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। हाँ। तब जड़ प्रलय ने आकर उन सबों को नाश किया। हाँ। अभी देखो, एक और नूह जहाज बना रहे थे और दूसरे लोग क्या करते थे? खाते थे, पीते थे। यूट्यूब तो नहीं था, लेकिन फिर भी रेसिपी पूछते होंगे कौन कौन सी सब्जी बनाते, कौन कौन सी मिठाई बनाते। खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, करवाते थे, घर बनाते थे, खेत में बीजते थे, कटाई करते थे। ये सारा काम उस वक्त जो है वो चल रहा था। जब नूह वो जहाज बना रहे थे, इधर किसी की बर्थडे पार्टी और बाकी के लोग बर्थडे पार्टी में जाते थे, और नूह यहाँ पर जहाज बनाते थे, यहाँ पर कहीं शादी की पार्टी, लोग शादी की पार्टी में जाते थे, लेकिन नूह यहाँ पर जहाज बना रहे थे। नूह ऐसा नहीं बोलते थे परमेश्वर 2 दिन की छुट्टी दे तो मैं भी जा कर आऊँ, 2 दिन लेट बनेगा जहाज, उसमें क्या है। इन दोनों में वो संबंध नहीं था। लोग खेती करते थे, नूह जहाज बनाते थे। लोग जॉब करते थे, नूह जहाज बनाते थे। लोग लेन देन करते थे, नूह जहाज बनाते थे। नूह इन सारी बातों से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब नूह जहाज में गए तब तक लोग खाते थे, पीते थे, घर बनाते थे, सारा काम करते थे। मतलब नूह नहीं करते थे, नूह तो अपना जहाज ही बना रहे थे, वो अपना काम जो है वो कर रहे थे। और जब बरसात हुई उसके 7 दिन पहले नूह और उनका परिवार वो जहाज में बैठ गया, 7 दिन पहले, और परमेश्वर ने उनको 7 दिन पहले ही जहाज में बंद कर दिया। अब ये 7 दिन भी लोगों ने क्या किया होगा? खाना पीना, शादी, ब्याह, बर्थडे,
यही सब कुछ है ये लोग जो है वो करते रहे थे। कारण क्या, वातावरण वैसा का वैसा ही था। सूरज आज भी निकल रहा था, दिन आज भी हो रहा था, रात आज भी हो रही थी, कहीं से ऐसा दिखाई नहीं देता था ऐसा कुछ होगा। कुछ तो होना चाहिए वातावरण में जिससे ये लोग भी डरे, लेकिन कुछ भी इनके साथ ऐसा होता नहीं था। और इसलिए इनको ऐसा था कि कुछ नहीं होगा, आने वाला तूफान जो नूह को दिखाई देता था वो लोगों को नहीं दिखता था। आज भी यही बात है, आज भी लोग क्या बात है, कहाँ है एंटीक्राइस्ट, कहाँ है, दिखता है एंटीक्राइस्ट सही में, नहीं दिखता है। आज भी लोगों के जीवन में यही बात है। तो क्या एंटीक्राइस्ट आएगा तब भागोगे? हाँ खड़ा होगा अभी भागो। क्या जब एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा तब जागोगे? तब जागने से क्या फायदा है? कहाँ है 666? कहाँ है आज 666? कहाँ लेन देन बंद हो गए? आज सब लोग यही देख रहे कहाँ है 666, कहाँ लेन देन जो है वो बंद हो गए। लोगों को वैक्सीन नहीं दिखाई देती, वैक्सीन से यही हो रहा है, लेन देन बंद हो रही है, जॉब बंद हो रहा है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते बिना वैक्सीन। मुझे बाहर जाना है कल, मैं टिकट बुक करवाया, मेरे ऊपर मैसेज आ गए कि अगर आप इस स्टेट के हो तो आपको RT-PCR कोरोना का टेस्ट जो है वो कर ही आपको ट्रेन में बैठना है, वरना हम आपको बैठने नहीं देंगे। अभी कुछ स्टेट में शुरू हुआ था, तो यहाँ पर भी होने वाला है, उसके बिना लेन देन नहीं। मतलब वैक्सीन जो है वो कंपलसरी होती जा रही है, चाहे हमारा संविधान हमको ऐसा बोलता है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या लोगों को दिखाई नहीं देता है? उस वक्त के लोगों को भी नहीं दिखाई देता था, और आज भी लोगों को ये बात जो है वो नहीं दिखाई दे रही। लोग क्या कर रहे, आज भी वही नूह के जमाने वाला काम हो रहा है। क्या हो रहा है, लोग खा रहे, लोग पी रहे, चाहे पानी पी रहे, चाहे अच्छा ही खाना खा रहे। आज भी शादी, बर्थडे, लेना देना, बीजना काटना बेचना, यही सब कुछ हो रहा है। एक भाई साहब के साथ ऐसे ही बात हमारी हो रही थी, और बहुत निर्दोषता से उन्होंने मेरे साथ बात की। बोले आपका जो घर बन रहा है, तो बोले वहाँ वलसाड़ में जो बड़े बड़े चीकू होते हैं उसका बीज बोले डाल देना पीछे। उन्होंने बोला मैं नहीं डालने वाला, लेकिन कब उसका पेड़ बनेगा, कब उस पर फल लगेंगे, क्या इतना वक्त है? अरे बोले डाल तो एक बार, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कहीं दुनिया चल गई तो। आप वचन बोलते थे ऐसा लगता है कि नहीं चलेगी, लेकिन कहीं चल गई तो। मैंने मना किया मैं नहीं डालने वाला, क्योंकि सही में इतना वक्त जो है नहीं है। लेकिन ये सवाल आया कहाँ से, और इसी सवाल की वजह से ये बात जो है, ये सारी बात जो मैंने अभी बताई वो सारी बात मैंने उनको तो बताई, लेकिन तब मेरे दिमाग में बात आई, मतलब सभी को बतानी चाहिए, इसलिए आज मैं ये बात जो है मैं बता रहा हूँ कि अगर दिल में कहीं भी अभी शक है, हो सकता है दुनिया चल जाए, तो भूल जाओ। प्रभु उसने क्या बोला, जैसे नूह के ज़माने में हुआ था वैसा ही मेरे दिनों में भी होने वाला है। नूह जहाज तैयार कर रहे थे, और बाकी के लोग खाने पीने में, काम करने में, खेत में, शादी करने में, बर्थडे पार्टी करने में सब व्यस्त थे, और तभी उनका नाश हो गया, और जो जहाज बना रहे थे वो बचाए गए। तो अभी जो वक्त है वो नूह वाला ही वक्त चल रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, जहाज बनाना है या फिर दूसरा कुछ करना है? प्रभु तो आज ये वचन से हमें बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए, जहाज बनाना चाहिए। हालेलुया। तो जहाज बनाना और बाकी के जो काम है उसको छोड़ देना, दिल से दिमाग से निकाल देना। तो हम वचन की ओर चले।